नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल पहाड़ी अंग्रेज ब्लॉग में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग मिलकर किसी के लिए रिलीफ के लिए, किसी की जान बचाने के लिए, किसी को भोजन मुहैया करवाने के लिए, किसी को खाना बनाने के लिए, उनकी ज़रूरत का सामान उन तक पहुंचाने के लिए आज हम लोग एक बहुत बड़ी मुहिम करने जा रहे हैं। और वैसे ये हम ही नहीं, ऐसे हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो अभी हिमाचल प्रदेश के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश इस वक्त घोर दुख से गुजर रहा है। हिमाचल प्रदेश में हर कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बादल फट रहे हैं, और मतलब जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, जिसको कि सभी लोग मतलब एक शांत प्रदेश का दर्जा मिल रखा है, वो शांत प्रदेश शायद आजकल अशांत हो रखा है। सभी लोग परेशान हैं, कोई भी इंसान अपने घर में ये सेफ, खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहा है। उसे नहीं पता कि उसके ऊपर कब बादल फट जाए, कब बारिश हो जाए, कब क्या हो जाए, कब जिस घर में वो शायद खुद को सेफ समझ रहा है वो घर उसी को लेकर चला जाए। तो मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन हो रखी है। आप लोग सोशल मीडिया पर भी देख रहे होंगे, हिमाचल प्रदेश बहुत ही बड़े दुख को झेल रहा है। बहुत से लोग हैं जो इस वक्त शायद खाना खाने के लिए भी तरस चुके हैं, और जो उन्होंने इतने अपनी मेहनत से जो इतने बड़े मकान घर तैयार करे थे, वो सब उनके सामने ऐसे बह चुके हैं। उनमें बहुत से लोग भी बह गए, बहुत से लोग ऐसे हैं उन्होंने अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को खो दिया। तो ये दोस्तों ये एक दुख की घड़ी होती है। ऐसे समय में हमें इंसानियत को जिंदा रखना चाहिए। जैसे कि कहीं कुछ लोग ये चीज़ें भी कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ पर फूड आइटम बहुत ही ज़्यादा मतलब 4-5 गुना रेट में वो बेच रहे हैं, तो इससे वो क्या ही कमा लेंगे। वो कमा नहीं रहे दोस्तों, वो अपने अंदर की अंतरात्मा को भगवान के सामने खड़े होकर ये बोल रहे हैं कि हम इतने लायक है कि जहाँ हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए वहाँ हम ये चीज़ें कर रहे हैं, वो भी तब जब कोई इंसान दुख में हो तो वो अपना पेट भी नहीं भर पा रहा है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों से उभर कर हमारी एक टीम है जो कि मेरे दोस्तों की है, वो लोग शिमला से हैं। आप इंस्टाग्राम पर भी उनको चेक कर सकते हैं, फिटनेस कॉलेज के नाम से उनका एक इंस्टाग्राम चैनल भी है। तो हम लोगों ने मिलके एक डोनेशन फंड इकट्ठा करना शुरू किया है, जो कि वहाँ जाकर लोगों को, जहाँ पर भी इस तरह से आपदा से लोग प्रभावित हुए हैं, उन लोगों को वहाँ जाकर खाना, कपड़े और रोज़मर्रा की ज़रूरी चीज़ें जिनसे उन्होंने हाथ धो लिया है, जो शायद चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा अमूल्य हैं, हर रोज़ काम में आने वाली चीज़ें, वो उन्हें मुहैया करवाई जाएगी। क्योंकि अभी सब कुछ वापस से बिल्कुल ठीक होने में बहुत समय लगेगा दोस्तों, लेकिन अभी जो आपदा एकदम से सभी के ऊपर आई है, तो उसमें अगर हम सभी लोग थोड़ा थोड़ा भी डोनेट करते हैं, तो वो उन थोड़े से लोग जिनके ऊपर वो एक्चुअली में जो वो आपदा उन लोगों पर आई है, वो शायद उनके लिए थोड़ी सी मददगार साबित हो। दोस्तों लोगों ने इस बाढ़ में, इस लैंडस्लाइड में, इस आपदा के समय में अपने घर को खो दिया, अपने परिवार को खो दिया, शायद अपने बच्चों को खो दिया, बच्चों ने शायद अपने पेरेंट्स को खो दिया, और शायद उन्होंने अपनी सारी उम्र की संपत्ति, जो कुछ भी उन्होंने इकट्ठा किया बनाया, वो सब कुछ खो दिया है। इस वक्त दोस्तों उन्हें हम लोगों की ज़रूरत है, हम जैसे लोगों की ज़रूरत है, जो उन्हें शायद बेसिक चीज़ें, जो कि बेसिक नीड्स होती है एक इंसान की, रोटी, कपड़ा, मकान, इन सब चीज़ों के लिए शायद बहुत से लोग होंगे जो तरस गए होंगे कि उन्हें दो वक्त के लिए खाना मिले। लेकिन ऐसा नहीं है, हिमाचल प्रदेश में बहुत से लोग शुरुआत से ही, बहुत से दयालु लोग भी यहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश शांत है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दयालु, बहुत से अच्छे कर्म करने वाले लोग रहते हैं। आप कहीं पर भी जाओ तो हिमाचल प्रदेश में आपको लोग हमेशा सपोर्ट करते दिखेंगे। ये नहीं है कि कोई किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वहाँ पर लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, मैक्सिमम जगह आपके साथ आसपास के लोग आपके खड़ेंगे, अगर वो हिमाचल से हैं ज़रूर। तो दोस्तों अभी हिमाचल के लोग बहुत ही दुख में है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ से इफ़ेक्ट हुए हैं। तो इसमें ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो हमारी तरह, बहुत सारे और लोग भी हैं जो कि वहाँ पर उन लोगों की हेल्प के लिए अलग अलग जगह पर, जैसे अब हम लोग आगे पीछे भी कभी लंगर करवाते हैं, भगवान के नाम से पैसे चढ़ाते हैं, तो उन सब चीज़ों को ना करके अगर आप उस समय उन लोगों की हेल्प करें जो सच में इस हेल्प के लिए आंखें बिछाए बैठे हैं कि कोई आए और उन्हें इवन खाना तक प्रोवाइड कर दे,
जो कि शायद वो इस वक्त नहीं प्राप्त कर पा रहे हों, तो आप हम लोग उनके लिए भगवान समान होंगे दोस्तों। तो हमारी एक टीम है जो कि मेरे दोस्तों की ही एक टीम है, हम लोगों ने मिलकर एक चीज़ डिसाइड की है कि हम लोग कुछ फंड इकट्ठा करेंगे। बहुत सारे हम दोस्तों ने भी बहुत सारे लोगों ने फंड इकट्ठा कर लिया है और वो लोग शिमला से है तो वो लोग भी पैदल मार्च करके लोगों से भी फंड इकट्ठा कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो यूट्यूब पर मेरी इस फैमिली से भी मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप लोग भी इस चीज़ में हमारा योगदान करें ताकि हम वहाँ पर उन लोगों को जाकर कुछ रिलीफ दे सकें, उनके लिए खाना पहुँचा सकें, उनके लिए ज़रूरी चीज़ें जो कि हर दिन किसी ना किसी को ज़रूर ज़रूरत पड़ती है जिन चीज़ों की, वो चीज़ें हम उन्हें मुहैया करवा सकें, क्योंकि इस वक्त वो लोग भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी आपदा से जूझ रहे हैं, बहुत बहुत बुरे समय से निकल रहे हैं। तो दोस्तों आज ये वीडियो मैंने आप सभी लोगों के सामने इसीलिए रखी बनाई कि यहाँ पर एक हमारा अच्छा परिवार है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी डोनेशन करें इस फंड में, इस डोनेशन में अपना साथ दें और आप लोग कहीं ना कहीं भगवान के पास मन्नत भी चढ़ाते होंगे, देवी देवताओं को भी पूजते होंगे और भी बहुत से अच्छे काम करते होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि उन सब कामों को छोड़कर अभी आप फिलहाल ये एक अच्छा काम करें जिससे कि किसी का भला हो सके, किसी के पेट में अन्न जा सके, क्योंकि दोस्तों जब बड़े लेवल पर कोई चीज़ होती है तो उसमें हमें एक बड़े लेवल पर ही डोनेशन और ये साथ इकट्ठा करना पड़ता है। सरकार भी इस चीज़ के लिए काम कर रही है, वो लोग भी मतलब डोनेशन दे रहे हैं, लोगों को रिलीफ फंड देंगे, वो रिलीफ फंड में से रिलीफ फंड दिया जाएगा, लेकिन जो अभी उन्हें रिलीफ चाहिए उसके लिए हम जैसे युवाओं की ज़रूरत है और आप जैसे युवाओं की ज़रूरत है और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना और उन सभी लोगों का गूगल पे नंबर और एक बैंक डिटेल डाल दूँगी, अगर आप चाहें तो डोनेशन कर सकते हैं। और आपको इसके बाद नेक्स्ट जो कुछ भी इस डोनेशन से जो जिन भी लोगों की मदद की जाएगी उसकी भी वीडियो बनाकर आप सभी लोगों को दिखाया जाएगा कि आप लोगों की वजह से किन किन लोगों का भला हुआ और कितने लोगों को रिलीफ मिला है आपके इस फंड से। तो मैं आप लोगों तो मैं चाहती हूँ कि मेरी YouTube फैमिली इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आई विश कि आप लोग मेरा साथ देंगे। धन्यवाद।